करता हूं, देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, APJ अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।